Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Karnataka mein Bharatiya Kisan Union ke neta Rakesh Tikait par mic se hamla ve kali siyahi fekne ka bhakyu ne virodh kiya hai. Aaj Meerut jila mukhyalaya par dharna dete hue भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा प्रायोजित ये कृत्य जारी रहे और भाकियू नेता को जेड प्लस की सुरक्षा न दी गई तो सरकारी प्रतिनिधियों को न सिर्फ सड़क पर निकलने दिया जाएगा बल्कि उनका इलाज भी कर दिया जाएगा। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत पर हमला किया गया था, उनके ऊपर काली स्याही भी फेंकी गई थी, जिसके बाद वहाँ काफ़ी हंगामा व मारपीट हुई थी। भाकियू ने इसके विरोध में आज मेरठ जिला मुख्यालय पर धरना दिया। इस मौके पर भाकियू नेता विनोद जटोली ने यह कहा, या ये तो जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है चौधरी राकेश टिकैत जो कर्नाटक में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे तो उसमें सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ लोगों ने उनके साथ उनके ऊपर हमला किया, माइक मारा और काली इंक डाल ली, उसके विरोध में है। सरकार या तो चेत जाए और जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा हमारे नेताओं को दे दे, नहीं तो उनका जो है इलाज कर दिया जाएगा, सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाएगा सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को। किसके नाम प्रधानमंत्री जी का नाम ज्ञापन है द्वारा डीएम के, क्या मांग की गई है? मांग यही है कि हमारे नेताओं को सुरक्षा दी जाए और ये जो कृत सरकार करा रही है अपने लोगों के द्वारा इसको बंद कर दे, नहीं तो किसान अगर अपनी पा गया तो सरकार को भी जड़ से उखाड़ देगा और सड़कों पर जो निकल रहे हैं ना इनका रास्ता बंद कर देंगे हम। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।